गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. ओके सो वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 9 12 है ना. टुडे वी लर्न और वी कैन से वी अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉइल एंड क्रॉप. सॉइल क्या है हम जान चुके हैं, क्रॉप क्या है ये भी हम जानते हैं. इन दोनों में कैसा रिलेशन है, कैसे एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, ये सब हम समझेंगे. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम. ओके अपने आज का जो हेडिंग है दैट इज सॉइल एंड क्रॉप. सॉइल एंड क्रॉप. ओके तो आप जानते हो कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. यानी यदि पूरे इंडिया की बात करें तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की सॉइल हमें मिलती है ना. वहाँ का कहीं पर सैंडी होगी, कहीं पर क्ले मिलेगी, कहीं पर लोमी मिलेगी, है ना. तो इस तरह से एरिया के अकॉर्डिंग आपको ये सॉइल मिलती है. इन सम पार्ट देयर इज क्ले सॉइल, सम कहीं पर आपको लोमी मिलेगा और कहीं पर सैंडी सॉइल मिलेगी. ठीक है. सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड. सॉइल पे किसका इफेक्ट पड़ता है, विंड का, रेनफॉल का, टेम्परेचर का, लाइट का और ह्यूमिडिटी का. ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर का. इन सब का जो इफेक्ट है वो सॉइल पे पड़ता है. ठीक है. ओके दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स. और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स. इन सब का जो इफेक्ट है हमारे क्लाइमेट पे भी पड़ता है. ठीक है. क्लाइमेट यानी हमारा क्लाइमेट कैसे होगा, क्लाइमेट हमारा हॉट है ना, या ह्यूमिडिटी वाला. इस समय जो हमारा चल रहा है दैट इज रेनी सीजन, है ना, बारिश का सीजन है, मानसून वाला सीजन है. तो हमारा क्लाइमेट कैसा होगा, इसमें ह्यूमिडिटी होगी. कैसा होगा, ह्यूमिडिटी होगी, मॉइस्चर होगी बहुत ज्यादा, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, वी फील सफोकेशन. वी फील सम टाइम सफोकेशन. हमें कभी कभी सफोकेशन लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमें क्या है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, हमको बहुत ज्यादा कभी गर्मी लगेगी या कभी बहुत ठंडा लगेगा, ऐसा होता है. ठीक है. यदि बारिश जैसे ऐसे मौसम, यदि बहुत तेज धूप निकल आएगी तो लगेगी बहुत तेज गर्मी हो गई, है ना. यदि कंटिन्यू 2-3 घंटे बारिश हो जाए तो ठंडक हो जाएगी. तो इन्हीं सारे फैक्टर्स जो है, विंड है, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, यही सारे क्लाइमेटिक फैक्टर भी कहलाते हैं. ठीक है. विच जिसका जो इफेक्ट है वो हमारे सॉइल प्रोफाइल पे पड़ता है या सॉइल पे पड़ता है. एंड बीइंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर, और जिसकी वजह से सॉइल की स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है. ठीक है. द क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ द सॉइल. चाहे क्लाइमेटिक फैक्टर हो या तो कंपोनेंट ऑफ द सॉइल हो. कंपोनेंट ऑफ द सॉइल का मतलब यहाँ पर ये है कि सॉइल किससे मिलकर बनी हुई है, सॉइल में क्या है. सॉइल में सैंड ज्यादा है या सैंड और क्ले का मिक्सचर है ना, या पूरी तरह से क्ले है या लोमी है ना. तो इसके ये कंपोनेंट्स हो जाएंगे. इसमें मिनरल्स भी आते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, है ना. तो उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है ना. इन सबको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल. डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन. किसी पर्टिकुलर रीजन में आप कैसी क्रॉप ग्रो करेंगे ये वहां की सॉइल पे डिपेंड करता है. उस सॉइल में जो कंपोनेंट्स हैं उस पे डिपेंड करता है. उस सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उस पे डिपेंड करता है. सीजन पे यानी क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है. इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्रॉप को वहां पर ग्रो कराते हैं. ठीक है. क्ले एंड लोमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम. जो क्ले सॉइल है, लोमी सॉइल है ना. लोमी में क्या होता है, सैंड और क्ले का मिक्सचर होता है 50-50 रेशियो में, है ना.
तो जो सैंड, जो क्ले सॉइल है, लोमी सॉइल है, ये दोनों ही जो तरह की जो सॉइल्स हैं, ये जो सीरियल क्रॉप होती हैं, जैसे कि वीट है, ग्राम है, इनको ग्रो कराने के लिए बहुत अच्छी होती है ना। सच सॉइल्स आर गुड एट, क्यों अच्छी होती है, क्योंकि रिटेनिंग वाटर है ना, एट रिटेनिंग वाटर, रिटेनिंग मीन्स होता है वाटर को बना के रखना, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। यानी ये जो क्ले सॉइल है, लोमी सॉइल है, इन दोनों ही तरह की सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ये बहुत अच्छा होता है ना। फॉर पैडी, पैडी मीन्स होता है राइस है ना, फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी ऑफ रिटेन वाटर आर आइडियल। जो पैडी है राइस के लिए, सॉइल कैसी सॉइल, यानी क्ले सॉइल अच्छी होती है एंड ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें अच्छे से ऑर्गेनिक मैटर हो, यानी सॉइल अच्छे से फर्टाइल हो, एंड सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, एंड हैविंग गुड कैपेसिटी ऑफ रिटेन वाटर, यानी कि जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी हो, यानी वो वाटर को काफी देर तक बना के रखता हो, हमेशा वाटर जो सॉइल है वहां पर मॉइस्चर बना रहे, ऐसी सॉइल जो है आइडियल समझी जाती है, यानी बहुत अच्छी मानी जाती है। फॉर टेन जो लेंटिल्स हैं है ना, यानी जिसको लेंटिल्स को बोलते हैं हम, मशहूर है ना, मशहूर की जो दाल होती है, एक तरह की ये भी दाल है ना, पी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। फॉर लेंटिल्स यानी मशहूर के लिए एंड अदर पल्सेस जो दालें हैं उनके लिए, लोमी सॉइल, जो लोमी सॉइल होती है विच ड्रेन वाटर इजली है ना, जो कि वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। लोमी सॉइल में क्या होता है, सैंडी सॉइल भी मिक्स होती है, तो जिसकी वजह से ये वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब करती है ना। तो यही कहा गया है, विच ड्रेन वाटर इजली, जिससे वाटर इजली एब्जॉर्ब हो जाए, आर रिक्वायर्ड, जरूरी होता है फर्स्ट फैमिली के लिए। फॉर कॉटन, कॉटन के लिए सैंडी लोम और लोम सॉइल, या तो सैंडी लोम का मिक्सचर हो या तो लोम सॉइल हो, ये दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं, सैंडी और लोम का मिक्सचर तो होता ही है लोमी सॉइल में, यानी कॉटन के लिए भी हम कहें तो लोमी सॉइल अच्छी होती है, विच रेन वाटर इजली, जिसमें कि वाटर का एब्जॉर्बेशन इजली हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, और उसके लिए क्या होता है, कॉटन के लिए हमें एयर ही चाहिए, सफिशियंट अमाउंट में एयर होना चाहिए सॉइल में, इसीलिए कहा गया है कि लोमी सॉइल बेस्ट है, क्योंकि उसमें सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं, सैंड पार्टिकल्स जो है उनके बीच गैप काफी होती है, जिसकी वजह से वहां पर एयर जो है फिल हो जाती है। जब ये एयर बाहर निकलेगी तभी, जब जितनी ज्यादा एयर होगी उतनी जल्दी वाटर की सीपिंग यानी वाटर का एब्जॉर्बेशन होगा, ड्रेनिंग होगी है ना, आर मोर सुटेबल, तो ये बहुत ज्यादा सुटेबल होती है ना। क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन दी कैसे, फाइन क्ले सॉइल, जो वीट है ये बहुत, क्ले के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। तो वीट की क्रॉप के लिए ये सॉइल बेस्ट मानी जाती है, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस अच्छी होती है, एंड आर वेरी फर्टाइल, बहुत ही अच्छे फर्टाइल होते हैं, इनकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। फाइन फ्रॉम योर टीचर्स, ओके, पेरेंट्स एंड फार्मर्स, आप इनसे बात कर सकते हो। द टाइप ऑफ सॉइल के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, एंड क्रॉप के बारे में अभी हमने बता ही दिया। ग्रोन इन योर एरिया, हमारे एरिया में, तो जो हमारा एरिया है वहां पर जो सॉइल है मोस्टली कैसी है, या तो सैंडी सॉइल आपको मिलेगी या तो लोमी सॉइल मिलेगी, और कैसी है, रेड है ना, सॉइल का जो टेक्सचर है वो रेड या ब्राउन है ना, मोस्टली रेड सॉइल। यदि एमपी की तरफ हम बात करें तो रेड सॉइल मिलती है, और यूपी में हमारे ब्राउन सॉइल मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई, आप समझ गए। तो यहाँ पर जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वीट भी है, कहीं कहीं पर राइस का, जैसे ये सीजन है कि राइस के लिए बेस्ट है ना, इस समय पानी अच्छा मिल जाता है, ओके। एंटर द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल, आपको टेबल दिया गया है उसमें आप अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। इसमें देखिए टेबल ये दिया हुआ है, टाइप ऑफ सॉइल, कैसी सॉइल है ना, जैसे एक बताया कि क्ले सॉइल है, वीट के लिए अच्छी होती है, सैंडी सॉइल किसके लिए अच्छी होगी, सैंडी लोम किसके लिए अच्छी होगी, तो उस तरह से आप यहाँ पर फिल कर सकते हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग, आप जहाँ पर रहते हैं, है ना। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी बेस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस, राइस के लिए, राइस के लिए कैसा चाहिए हमको, राइस यानी कि अभी आपने पढ़ा है, राइस के लिए कैसी सॉइल अच्छी होती है, जहाँ पर जिसकी, ऐसी सॉइल जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी
बहुत अच्छी हो, है ना। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी अच्छी है, यानी कि क्ले एंड लोमी सॉइल, है ना, क्ले एंड लोमी सॉइल ये अच्छे होते हैं। उसमें भी क्ले सॉइल सबसे बेस्ट है। पैडी, पैडी मीन्स होता है राइस, है ना। तो क्ले सॉइल इसके लिए अच्छी होती है क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो आप बता देंगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। तो आप बता देंगे कि द सॉइल विच इज बेस्ट, विच वुड बी द बेस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस इज क्ले। ओके, या तो क्ले कर दीजिए आगे, क्ले सॉइल ना इज क्या होगा, क्ले सॉइल वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। ओके, इस तरह से कर देंगे, सॉइल विद विद ए हायर और लोअर रेट ऑफ परकोलेशन। अब इसने कहा, ये पूछ रहा है, परकोलेशन मीन्स होता है स्टीपिंग यानी एब्जॉर्बेशन। तो कह रहा है सॉइल विद ए हायर एंड लोअर रेट ऑफ परकोलेशन। यदि हम परकोलेशन की बात करें तो जो परकोलेशन रेट होती है वो सैंडी सॉइल की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जल्दी जैसे ही आपने वाटर डाला तो तुरंत अंदर चला जाता है, है ना। तो हायर होगी सैंडी सॉइल की और लोअर होगी क्ले सॉइल की। क्ले सॉइल में जो परकोलेशन होता है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की यदि हम बात करें तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले सॉइल की अच्छी होगी और सैंडी सॉइल की कम होगी, और लोमी सॉइल की भी ठीक होगी, मीडियम। ओके, इज दैट क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, चलिए ये भी आप जान गए, टेबल हो गया। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्टोरी दिया गया है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसमें कहा एक केस स्टडी है, इसको भी चलिए देख लेते हैं। इसमें जॉन है, है ना, राशिदा है एंड राधा, कहाँ गए, वेन टू, है ना, लीला, कहाँ पर, लीलाधर डोडा, लीलाधर दादा, लीलाधर दादा एंड संतोष मालविया ऑफ सोहागपुर इन मध्य प्रदेश, है ना। तो जो लीलाधर दादा है वो आर प्रिपेयरिंग द सॉइल टू मेक आइटम्स लाइक, वो सुराही बनाएंगे, मटकी बनाएंगे उससे, है ना, और क्या बनाएंगे, सल्ला, जिसको बोलते हैं अर्थन फ्लाइंग पैन, है ना, अर्थन जो है मिट्टी से बना हुआ फ्राइंग पैन भी बनाने वाले थे। फ्राइंग पैन जैसे अपने घर में स्टील का होता है वैसा वो मिट्टी से बनाने वाले थे। द फॉलोइंग इज द कंजर्वेशन, है ना, दे ऑल हैड विद लीलाधर दादा, है ना, ये सब जो कंजर्वेशन एस्पेक्ट है, है ना, ये मिट्टी के बर्तन बनाना, इनको यूज करना, है ना, ये ट्रेडिशनल टाइम पे हुआ करता था। ट्रेडिशनल टाइम यानी बहुत समय पहले, है ना, जब आदिवासियों का समय था, बहुत बहुत पहले की बात कर रहे हैं, लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया करते थे। आजकल भी कई गाँव में कभी कभार आपने देखा हो तो कभी भी दाल वगैरह कुछ बनाई जाती है, है ना। तो वेयर वॉज द सॉइल ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये सॉइल कहाँ से मिलती होगी इनको। तो दादा इसमें है बता रहे हैं, वी ब्रॉट द ब्लैक सॉइल फ्रॉम ए पीस ऑफ बैरन लैंड। बैरन मीन्स होती खाली जगह जहाँ पर प्लांट ना हो, है ना, कोई भी ऐसी लैंड जहाँ पर खाली पड़ा हुआ है, कोई प्लांट नहीं है, ऐसी जगह से हम क्या करते हैं, ब्लैक सॉइल को कलेक्ट करके लाते हैं। हाउ इज द सॉइल प्रिपेयर्ड, उसके बाद सॉइल की प्रिपरेशन कैसे की जाती है पॉट बनाने के लिए, है ना। तो दादा बता रहे हैं कि ड्राई सॉइल विल बी प्लेस इन ए लार्ज टैंक, बड़े बड़े टैंक में हम डाल देते हैं, एंड वुड बी क्लीन्ड फॉर पेबल्स, और उनसे क्या करते हैं, छोटे छोटे उसमें स्टोन्स होते हैं उनको हम हाथ से ही रिमूव करते हैं चुन चुन कर। आफ्टर रिमूविंग दीज थिंग्स द सॉइल विल बी शोक्ड फ्रॉम अराउंड फॉर अराउंड 8 आवर्स। फिर जब हमने पेबल्स छोटे छोटे स्टोन से उनको रिमूव कर दिया, इसके बाद इस सॉइल को हम क्या करते हैं, 8 आवर्स के लिए वाटर में शोक कर दो, यानी उसके ऊपर हम वाटर डालते हैं और उसको वैसे ही शोक करके रखते हैं, है ना, पानी रखते हैं। द सॉइल वुड बी कैसे जाती है, नीडेड, है ना, आफ्टर मिक्सिंग हॉट डंग। हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें हम थोड़ा सा हॉट डंग जो है, जैसे काउ डंग होता है वैसे ही हॉट डंग भी होती है, उसको हम उसके साथ मिक्स करते हैं, उस मिट्टी के साथ। द नीडेड सॉइल वुड बी प्लेस ऑन दी व्हील, फिर उसको हम जो व्हील होता है पॉट बनाने वाला उसके ऊपर रखी जाती है, एंड गिवन एप्रोप्रिएट शेप, जो जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उस व्हील के ऊपर रखते हैं, और जो भी हम पॉट बनाना चाहते हैं उसका शेप हम देते हैं,
द फाइनल शेप इज गिवन विद हैंड, जो उसको फाइनल शेप आता है उसको हम हाथ से ही देते हैं. द आइटम्स आर कलर्ड आफ्टर 3 days, और जब पॉट बन जाता है उसको हम ड्राई करने के लिए रख देते हैं. जब ये सूख जाते हैं उनको पकाया जाता है, उसके बाद जब ये निकल के आते हैं तो इनको क्या किया जाता है ना, आफ्टर 3 days उसको कलर करते हैं. ऑल द आइटम्स आर बेक ए हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग, जब ये सूख जाते हैं तो इनको क्या है बहुत अधिक टेम्परेचर में एक जलता पूरा बनाया जाता है ना, उसको लकड़ी का पूरा करके उसमें जलते हुए उसमें सारे बर्तनों को रख करके अच्छे से पकाते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर में, तो फिर ये रेड हो जाते हैं. ठीक है, इसके बाद जब ये पककर जब ये उसको क्या करते हैं बेक किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर में आग में, तो ये मजबूत हो जाते हैं है ना. नहीं तो यदि हमने उसके चीजें सुखा दिए और उसको हमने एज ए अपने किचन यूज करने लगे कुछ भी बनाने एज ए फ्राइंग पैन, ये तो टूट जाएंगे. इसलिए इनको क्या करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर में बेक करना यानी पकाना जरूरी है आग पे रखकर. फिर इसके बाद है ना क्या करते हैं इसे अपना मनचाहा कलर दे सकते हो. Why is the horse dung mixed in soil? Horse dung क्यों मिक्स करते हैं, तो बता रहे हैं burn. Horse dung has open up the pores. इसको मिलाने से soil में जो pores होते हैं वो open खुल जाते हैं in the soil so that water would percolate out of the mudcast, है ना, जिससे कि water would percolate, है ना. इसी वजह से परकोलेट यानी कि जो मटके में जब आप पानी डालिए तो मटके से आप देखते हैं आपने अंदर पानी डाला है लेकिन मटका आपका बाहर भी गीला हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो सॉइल है उसमें परकोलेशन हो गई है, उस मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे से बिल्कुल होल्स होते हैं जिससे वो वाटर बाहर आ गया, और इसी से एयर भी एंटर करती है और हमारा जो वाटर है मटके में ठंडा होता है. ठीक है, तो यही इसने बताया है सो दैट वाटर वुड परकोलेट आउट ऑफ द मटकास एंड सुराही, है ना, इवेपोरेट एंड इवेपोरेशन होता रहता है एंड कूल्स द वाटर, और हमारे वाटर को ठंडा करते हैं इनसाइड. ओके, यू नो, है ना. तो सुहागपुरी जो सुराही होती हैं, सुहागपुर में जो सुराही बनती हैं एंड मटकास बनते हैं और फेमस बहुत फेमस है इन फार ऑफ प्लेसेस बहुत दूर दूर तक, लाइक जबलपुर में, नागपुर में, है ना, प्रयागराज में, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है इलाहाबाद, है ना, प्रयागराज को इलाहाबाद भी कहते हैं, यही बात बताई गई है. तो अपनी स्टोरी उन्होंने बता दी मेकिंग पॉट्स की, पॉट्स कैसे बनाते हैं आप समझ गए होंगे, पॉट्स कैसे बनाया जाता है, ये स्टोरी हो गई. अब सॉइल इरोजन क्या है ये बात और समझ लीजिए. सॉइल इरोजन को बोलते हैं कि जैसे कि जब सॉइल जो सॉइल की हमारी फर्टाइल लेयर है, जब सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है सबसे ऊपर वाली, दैट इज नोन एज फर्टाइल सॉइल. अब जब ये रिमूव हो जाती है चाहे वो विंड से हो या बाय रेन हो, है ना, जब तेज हवाएं चलती हैं, तो यदि कहीं की भी सॉइल है वहां पर प्लांट नहीं है तो सॉइल की अपर लेयर विंड के साथ उड़ जाती है और सॉइल इरोजन हो जाता है. सपोज अगर कहीं पर सॉइल है वहां पर कोई प्लांट नहीं है तो क्या होगा, सपोज अगर बहुत तेजी से रेनफॉल हुई और उस रेन वाटर के साथ जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर है वो बह जाती है, इसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, है ना. तो यही बात है, तो पढ़ लीजिए द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर एंड विंड, है ना, और आइस इज नोन एज इरोजन, इसी को हम इरोजन बोलते हैं. प्लांट रूट, यदि प्लांट सपोज अगर कहीं पर भी सॉइल है यदि वहां पर प्लांट होंगे तो ये सॉइल इरोजन को बहुत हद तक रोकते हैं. यदि सॉइल ऐसे ही खाली पड़ी हुई है तो ये सॉइल इरोजन जल्दी होता है. प्लांट रूट फर्मली बाइंड, फर्मली यानी तेजी से बाइंड बांध कर रखते हैं द सॉइल पार्टिकल्स को इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट, यदि प्लांट नहीं होंगे सॉइल बिकम्स लूज, तो सॉइल अपनी कैसी हो जाती है, लूज हो जाती है, एंड सो इट कैन बी मूव बाय विंड, और विंड क्या करती है इसको इजिली मूव करा दे, जब तेज हवाएं चलेंगी तो जो ऊपर की फर्टाइल सॉइल है ये विंड के साथ ब्लो कर जाती है, एंड फ्लोइंग वाटर, और फ्लोइंग वाटर के साथ भी रिमूव हो जाती है. इरोजन ऑफ सॉइल इज मोस्ट सीवियर है इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस ऑफ वेजिटेशन, जहां पर बहुत कम वेजिटेशन होती है या बिल्कुल नहीं होती वहां पर ही ये सॉइल इरोजन होता है. ओके, सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड, इसीलिए जो प्लांट्स को काटना है ना, कटिंग डिफॉरेस्टेशन होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज या कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट,
दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड, इसको हमको रोकना चाहिए एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। जहां तक हो सके तो हमें प्लांट्स लगाने चाहिए और सॉइल जहां पर भी खाली है वहां प्लांट लगा करके उसको पूरी तरह से ग्रीन एरिया में कन्वर्ट करना चाहिए जिससे कि ये सॉइल इरोजन ना हो। ये वर्ड्स हैं, आप जान चुके क्ले क्या है, ह्यूमस क्या है, लोम क्या है, परकोलेशन भी जानते हैं, मॉइस्चर, सैंडी सॉइल, वाटर रिटेंशन यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ओके, ये सारे वर्ड मीनिंग भी आपको आ गए। अब आई क्वेश्चन आंसर की बात, तो कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करके आएंगे आप लोग। ओके, चलिए आज इतना ही रखते हैं। हाँ, तो आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया सॉइल। अब इसमें यदि किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप लोग क्लियर कर लीजिए, है ना। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। मैम तो पूरा आ गया, पूरा समझ में आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, यस मैम। तो इसके एक्सरसाइज जो है फाइंड आउट करके आएंगे। और बेटा ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी चैप्टर 8 तक क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे नोटबुक में, है क्या? ऐसे मत बेटा बैठिएगा मत, क्योंकि कभी भी ये नोटबुक सबमिट कराई जा सकती है और इसके मार्क्स भी मिल रहे हैं, इसलिए मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन आंसर करते जाइए। शिवा चैप्टर 8 ही क्वेश्चन आंसर लिख गए बेटा? नो मैम, नहीं लिखे। क्यों? मैं नहीं लिख पाया। मैं सेंड कर दूंगी, फिर लिख लेना, ठीक है? अच्छा, यस मैम। जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे, एक भी चैप्टर ऐसा ना रह जाए इसके आप क्वेश्चन आंसर नोटबुक में नहीं लिखे। मेरे साथ साथ चलते जाइए, मैं क्लास में भी करा रही हूँ, आपको सेंड भी करती हूँ, है ना। क्लास में समझ yes, में आ रही है तो नोटबुक में भी लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में वो आपको हेल्पफुल होंगे, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये नोटबुक सबमिट होगी, जिसके नोटबुक कम्प्लीट होगी उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। बार बार कह रही हूँ, कभी भी आपकी नोटबुक मंगाई जा सकती है, ठीक है। इसलिए अपना सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट रखिए, यहाँ से मैं कंप्लीट करा रही हूँ और आप लोग अपने पास से भी कंप्लीट रखिए। जो ना समझ में आए मैम, मैम स्कूल भी खुलने हैं? स्कूल बेटा अभी नहीं खुलेंगे आप लोगों के, अभी 9th टू 12th वालों के स्कूल खुल रहे हैं, है ना। और जब भी स्कूल ओपन होंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा, परेशान मत होइए। हाँ बोलिए बेटा, कुछ पूछना है? मैम सब लोग कहते हैं कि 15 तारीख से खुल जाएंगे। नहीं अभी हमारे पास बेटा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यदि मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ग्रुप में तुरंत मिल जाए। यदि हमको ऑफिस से कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो हम आपको बता देंगे, अभी हमको नहीं मालूम स्कूल कब से खुलना है इसलिए हम नहीं बता सकते। हाँ बोलिए मैम। मैम एक्सरसाइजेस भी है मैम नोटबुक में और मैम क्वेश्चन आंसर भी है तो मैम बुक में, तो मैम उसमें मैम नोटबुक में हम केवल क्वेश्चन आंसर ही लिखने हैं ना। यदि आपके पास बुक है तो उस बुक में आप फिलिंग दी ब्लैंक्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स और यदि एमसीक्यू और मैम वर्कशीट भी लिखनी है नोटबुक में। जो मैंने सेंड करी है वो आप नोटबुक में करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन। मैम मतलब नोटबुक में क्वेश्चन आंसर बस लिखना है? देखिए यदि किसी के पास बुक है तो वो उसकी बुक से पढ़ लेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू। मैम यदि बुक नहीं है तो सारे क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में कर ले, सीधे सीधे। मैम बुक है? बुक है, यदि बुक है तो क्वेश्चन आंसर कर। मैम हाँ जी मैम, नोट्स लिखना है नोटबुक में? नोट्स भी आपने डेफिनेशन वगैरह अलग से फाइंड आउट की है, बनाई है, तो आप नोटबुक में ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जैसे कि हमारे पास बुक है तो मैम हम क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखेंगे और एक्सरसाइज बस फिल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपको नोटबुक में करना है। और जो फिलिंग दी ब्लैंक्स है, मैचिंग है, ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यूज है, इसको आप नोटबुक बुक में कर लीजिएगा, बुक में करने का उसी से पढ़ लीजिए। जो वर्कशीट मैंने भेजी है उससे सारे क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं, है ना। यस मैम, क्लियर? यस मैम, यस मैम, यस मैम। अर्णव कुछ पूछना तो नहीं बेटा? अर्णव, अर्णव कुछ पूछना है क्या? नो मैम।
यस मैम। ओके बेटा, और कोई किसे समझ में ना आई कोई बात पूछ सकता है? दिशा, एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छा एक बार अपना वीडियो तो दिखा दीजिए सारे लोग। आइए चलिए अपना वीडियो ऑन करिए, मैं आप लोगों को देखना चाहती हूँ। सारे लोगों को जल्दी आइए अपना वीडियो ऑन करिए। देखे तो कोई चेंज तो नहीं आया सब में, सब ऐसे ही है क्यों? नो मैम, आ नहीं रहे no, सामने क्या बात है? आइए भाई, ये लक्ष्मी मैम आपने जिस चैप्टर की वर्कशीट नहीं भेजी उनकी नहीं लिखनी है? हाँ जब जितने की मैंने भेजी आप उतना कीजिए, उसके बाद की मैं भेज दूंगी, फिर उसे भी कर लीजिए। रंशिका देवी, यस चना ठीक है बेटा? यस ओके। क्या वीडियो ऑन करो बेटा? यस सर। यस गुड, चलिए बहुत अच्छा हुआ, सबको देखकर अच्छा लगा। तो अपना वर्क टाइम से कंप्लीट करिएगा बेटा, है ना? हाँ यस मैम। और चलिए ठीक है, ओके देन, ओके देन, बाय बेटा। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.